दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में निवास करने वाली बिरहौर नामक जनजाति पर बात करेंगे। यह जनजाति विशेष जनजातियों में शामिल है। इस जनजाति के लोगों की ये मान्यता है कि ये जिस पेड़ को छूते हैं उस पर कभी बंदर नहीं चढ़ता। मशहूर लेखक एके सिन्हा ने अपनी किताब छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियों में बिरहौर जनजाति के बारे में विस्तार से लिखा है। तो आइए दोस्तों, हम इस जनजाति के बारे में विस्तार में जानते हैं। बिरहौर जनजाति खाने के लिए बंदर का शिकार करती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे एक कहानी है जो रामायण काल से जुड़ी है। बिरहौर जनजाति के लोग शिकार करके जीवन यापन करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से बंदर का शिकार करते हैं। शिकार के लिए कोई निश्चित शुभ मुहूर्त या दिन नहीं होता। शिकार पर जाने से पहले बिरहौर लोग धार्मिक क्रिया करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि शिकार के लिए जानवर मिलेगा या नहीं। इसके लिए तीन आदमी एक जगह बैठते हैं और एक आदमी चावल लेकर थोड़ा थोड़ा करके सबके हाथों में देता है और फिर सब लोग मंत्र पढ़ते हैं और भूत को बुलाते हैं। मंत्र पढ़कर भूत बुलाने के बाद जो आदमी चावल देता है उसके शरीर में भूत प्रवेश करता है। जब वह कांपने लगता है तो ये मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति पर भूत हावी हो चुका है। फिर उसे एक बोतल शराब देते हैं और पूछते हैं कि शिकार मिलेगा या नहीं। जब भूत बता देता है कि शिकार मिलेगा तो थोड़ी सी शराब जमीन पर गिराई जाती है। इसके बाद बची हुई शराब को सभी लोग पीते हैं और शिकार करने निकल जाते हैं। शिकार के लिए कम से कम 6 लोग जाते हैं। सबके पास धनुष बाण और शिकार करने के अनेक हथियार होते हैं और एक आदमी के पास बंदर पकड़ने का जाल होता है। जंगल में जाने के बाद सभी लोग एक जगह पर बैठकर सलाह मशवरा करते हैं। इसके बाद दो लोग बंदर ढूंढने निकल जाते हैं और बंदर मिलने पर सीटी बजाते हैं। सीटी की आवाज सुन के उसके बाकी दोस्त भी सीटी बजाते हैं। इसके बाद सभी चुपके चुपके बंदर की दिशा में चले जाते हैं और बंदर को चारों ओर से घेर लेते हैं। दो लोग पेड़ के बीच 15 फीट लंबा बंदर जाल बांध देते हैं और उस तरफ को छोड़कर बाकी ओर से घेर लेते हैं। इस दौरान कुछ लोग पेड़ की डाली लेकर बैठे रहते हैं ताकि बंदर को पेड़ होने का भ्रम हो। वह लोग बंदर को घेर कर इधर उधर दौड़ाते हैं। कहीं भागने की जगह न मिलने पर बंदर जाल की ओर भागता है और फंस जाता है। जाल में फंसते ही बंदर को मार दिया जाता है। कभी कभी छोटे बंदरों को जिंदा रखा जाता है और उसे बाजार में बेच दिया जाता है। अब हम आपको इस प्रथा से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि एक परिवार में दो बेटियां थीं, लेकिन किसी से अवैध संबंध बनाने से बड़ी लड़की गर्भवती हो गई। बच्चे के जन्म लेने पर उसके माँ बाप शर्म महसूस करने लगे। इसी कारण रात को ही उसके माँ बाप झोपड़ी को गिराकर भाग गए ताकि बच्चा और उसकी माँ दोनों दबकर मर जाएं। सुबह गांव वालों ने बच्चे और उसकी माँ को झोपड़ी से बाहर निकाला। बच्चा वहीं पला बड़ा, लेकिन उसका नामकरण होने से पहले ही उसकी माँ मर गई। वो बच्चा गांव में ही रहकर बढ़ने लगा। जब भी वो किसी पवित्र स्थल या कोई समारोह में जाता तो गाँव वाले उसे मना कर देते थे। जब वह बड़ा हुआ तो लोग उसे समाज में इज्जत की नजर से नहीं देखते थे, इसलिए उसने गांव छोड़कर जंगल में शरण ले ली और बिरू पर्वत में रहने लगा। बिरू पर्वत की गुफा में रहने के कारण उसका नाम बिरहौर पड़ गया। जंगल में रहकर वह फल वगैरह खाने लगा। एक दिन वह एक लड़की को उठाकर ले आया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसने रस्सी बनाने का काम शुरू किया। गायें बांधने की रस्सी बनाकर
उसकी पत्नी गांव में बेचने जाती थी। 3-4 सालों से गांव वाले लोग उस महिला को अकेले देख रहे थे। लोगों ने जब उस महिला से उसके पति के बारे में पूछा तो अगले दिन उसने वहां आना बंद कर दिया। इसके बाद वह लोग गिलहरी और चूहा पकड़कर खाने लगे। वहीं देगन गुरु नाम के एक व्यक्ति को बाजा बनाने के लिए बंदर की खाल चाहिए थी। इस बाजे से वे इष्ट देव को जागृत करना चाहते थे। देगन गुरु लंका के राजा रावण के पास गए और कहा कि मुझे बंदर की खाल चाहिए। रावण ने कहा कि मेरे पास तो खाल नहीं है, मैं कहां से दूंगा। बीरू पर्वत पर बिरहौर रहता है, उसी के पास जाओ, वही देगा। बंदर की खाल पाने के लिए देगन गुरु बिरहौर के पास आए। देगन गुरु जब बिरहौर के घर में घुसने लगे तो बिरहौर उनसे डरकर भागने लगा। देगन गुरु ने समझाया कि उन्हें बाजा बनाने के लिए बंदर की खाल चाहिए। बिरहौर बोला, मैं खाल कैसे दूंगा। देगन गुरु ने बताया कि मोहलाइन के रेशे से जाल बना लेना और जब बंदर पानी पीने आएगा तब उसे फंसा लेना। बंदर पानी पीने आया और जाल में फंस गया। इसके बाद बिरहौर देगन गुरु को बुला लाया। देगन गुरु ने बंदर की खाल निकाल ली। इसके बाद बिरहौर बोला कि बाकी के शरीर का क्या करेंगे। देगन गुरु ने कहा कि बंदर के शरीर को खा लेना। इसी दिन से यहाँ के लोगों ने बंदर खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।